हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस का फाइनली यहां पे एडमिट कार्ड का जो है लिंक जो है एक्टिव कर दिया गया है। अब एडमिट कार्ड जो है कब से आप सभी को डाउनलोड होगा और आप सभी को फ्रेंड्स जो है कब से एग्जामिनेशन होंगे, टोटल चीज़ें यहां पे आप सभी को हम जानकारी देने वाले हैं, जो कि लिखित परीक्षा ई प्रवेश पत्र से संबंधित यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप सभी को हम पाली भी बताएंगे कि कितने पाली में यहाँ पर एग्जामिनेशन होने वाले हैं, किस किस डेट को होने वाले हैं, आप लोग एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड करेंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके पास क्या क्या होना जो है जरूरी है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी आप सभी को केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती है, जो कि 2023 में विज्ञापन संख्या 1/2023 में निकल करके भर्ती आई हुई थी। आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती दिनांक 9/6/2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2023 के तहत बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों पर चयन हेतु दिनांक 11/9/2023 को प्रकाशित सूचना द्वारा लिखित परीक्षा दिनांक 1/10/2023 और 7/10/2023 एवं दिनांक 15/10/2023 निर्धारित की गई थी, जिसे 3/10/2023 को प्रकाशित सूचना द्वारा इसको रद्द कर दिया गया था। यानी कि पेपर लीक की वजह से यहाँ पे इस जो है परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और फिर से वहाँ पे बोला गया था कि फिर से नई डेट यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन के लिए जारी की जाएगी, जो कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनली अभी जुलाई चल रहा है और अभी इसका जो है आप सभी को नोटिस देखने को मिल रहा है, जो कि आप सभी यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है साहब साहब कि एदर द्वारा सर्वसंबंधित सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 1/2023 के लिखित परीक्षा निम्नांकित समय अनुसार राज्य के 38 जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित की जाएगी। जो कि आप सभी देख सकते हैं कि पहला आप सभी को एग्जाम 7/8/2024 को बुधवार को है, जो कि एकल पाली यानी कि एक ही पाली में होगा, ठीक है, 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में आप सभी को होगा। यहाँ पर अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे रखा गया है। 11/8/2023 को रविवार है, वहाँ पर भी एक ही पाली यानी कि पहले 2 पाली में पेपर लिया जाता था, बट अब एक एक पाली में यहाँ पर करके लिया जाएगा और आप सभी को टाइम रहने वाले 12 से 2 बजे 9:30 बजे ही रिपोर्टिंग कर देना है, ठीक है। 18 तारीख को यहाँ पे जिन लोगों का एग्जाम है उन सभी को रविवार यहाँ पे भी पढ़ रहा है, एकल पाली में ही होगा, 12 बजे से सेम वही टाइमिंग है, ठीक है, टाइमिंग में कोई चेंज नहीं है। 21 तारीख को भी एक ही पाली में होगा और आप लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो 25 तारीख को एक ही पाली है और 28 तारीख को भी एक ही पाली है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि 7/8/2024 से लेकर के एग्जाम आप सभी को चलने वाला है 28/8/2024 तक, ठीक है। प्रवेश पत्र आप सभी को यानी कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे और कब से जो है यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि प्रवेश पत्र संबंधित निर्देश दिया गया है कि इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रवेश परिषद द्वारा निर्गत ई एडमिट कार्ड पर दिया जाएगा, ठीक है। बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी दिनांक 15/7/2023 से परिषद की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पे आप लोग जा करके अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और अथवा आवेदन के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर तथा जन्म तिथि प्रविष्ट कर परीक्षा की तिथि और परीक्षा केंद्र के जिला की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप सभी को सेंटर नाम नहीं दिखाया जाएगा, बट आप सभी को 15/7/2024 को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और अथवा यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और मोबाइल नंबर है जिससे आप लोग फॉर्म अप्लाई करते समय जिस नंबर से रजिस्टर्ड किए होंगे उसको डालेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जन्म तिथि डालेंगे तो फाइनली आप सभी को यहाँ पर जो है परीक्षा तिथि और परीक्षा का जो है जिला की जानकारी यानी कि इस डिस्ट्रिक्ट में आप सभी को एग्जाम है ये यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा। एडमिट कार्ड पे आप सभी को यहाँ पे जब जारी होगा तभी आप सभी को पता चल पाएगा कि सेंटर मेरा कौन सा है, बट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पता चल जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट में आप सभी को एग्जामिनेशन है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अभ्यर्थियों निम्न समय में अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे, यानी कि एडमिट कार्ड आप सभी को डाउनलोड कब होगा। जिन लोगों का एग्जाम 7/8/2024 को है उन लोगों को 31 तारीख को यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड जो है आप सभी को डाउनलोड होगा, जो कि 7/8/2024 के बाद यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। 11 तारीख वाले कैंडिडेट को 4 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, 18 तारीख वाले 11 को और यहाँ पे 21 तारीख वाले 14 को यानी 25 तारीख वाले यहाँ पे 18 को, ठीक है, 18 को और यहाँ पे दोस्तों 28 तारीख वाले 21 तारीख को यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। यानी कि साफ साफ यहाँ पर मैंसन किया हुआ है कि 7 दिन पहले आप सभी को यहाँ पे एडमिट कार्ड दिया जाएगा, इससे पहले आप सभी को एडमिट कार्ड देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद देखेंगे कि इस प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों को रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, नाम, पिता का नाम आदि सूचनाएं अंकित रहेंगे। अभ्यर्थी उपयुक्त समय क्रम कार्यक्रम अनुसार अपने ई प्रवेश पत्र पर डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लेंगे, इसके बिना प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में अंकित निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेंगे, इनका अनुपालन अनिवार्य है। डाक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ई प्रवेश पत्र के साथ अपना एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे मतदाता
पहचान पत्र हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस लाइसेंस पैन कार्ड हो गया अथवा आधार कार्ड भी प्रस्तुत करना होगा। यदि ई प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है या उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों के संलग्न प्रपत्र यहाँ पर परिशिष्ट क में आप लोग देखेंगे, वहाँ से आप सभी को दिया जाएगा। ठीक है, डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र जो अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाइट की प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सके वे निम्नांकित कार्यक्रम अनुसार केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के बैक हॉर्डिंग रोड सचिवालय हॉल्ट के निकट पटना यहाँ पे स्थित कर जाए डुप्लीकेट ई प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि आप लोग देखेंगे तो 7/8/2024 है और यहाँ पे डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त कब तक हो सकता है तो 5/8 तक आप लोग यहाँ पे डेट दिया गया है जिन लोगों का जब जब एग्जाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद OMR के बारे में यहाँ पर दिया गया है, आप लोग अच्छे से इसको रीड आउट कर लेंगे। ये नोटिस आप सभी को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वहाँ पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाकर के जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया गया है जो कि आप सभी देख सकते हैं, मैट्रिक बेसिस पे यहाँ पे आप सभी को जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप सिलेबस पता करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, फाइनली आप लोग वेबसाइट पर पहुँचेंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना दिया गया है जो कि आप सभी देख सकते हैं कि कब आप सभी को पे पहुंचना है। उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे नमूना दिया गया है, ठीक है, कि OMR सीट आप सभी को कैसे होगा एग्जामिनेशन लेने के लिए। तो OMR ठीक है ऐसे ही होगा, आप सभी को इसी में फिल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 यदि ए सही हो रहा है तो ए को पूरा ऐसे जो है फिल कर देना है। तो ऐसे ही कुछ OMR सीट आते हैं, आप लोग अच्छे से अपने यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। तो दोस्तों इसके अलावा यदि आपके पास कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसके रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।